ये इंसान लोग इतना लेट क्यों करते हैं? आ गया। हाय। इतनी देर क्यों लगा दी? और ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों आया है? अब सबको पता चल जाएगा कि हम लोग स्कूल से भाग कर आए हैं। सॉरी, गलती हो गई। अब क्या करेंगे? एक काम करता हूँ रोनी, मैं दूसरे कपड़े ले आता हूँ। हाँ। ये कैसे कपड़े लाए? मैंने पहनू ऐसे? अच्छा ठीक है, तो मैं कोई और कपड़े लेकर आता हूँ। नहीं, 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 नहीं। यश प्लीज पहन लेना। तुझे याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? ये गलती से फ्रॉग ले आया था। प्लीज। ओके। रोनी, अगर तू हंसा ना। नहीं नहीं यश, हम कहाँ हंस रहे हैं? अच्छा लग रहा है, चल चलते हैं। ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। सर, ये क्या आईडी और कैलेंडर यही भूल गया? अब स्कूल में पनिश हो रहा होगा। मैं स्कूल चल जाती हूँ। रोनी, यही वो जगह है जहां सतरंग मुझे लेकर आया था। ये तो बहुत खतरनाक जगह लगती है रोनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, क्यों डर रहा है? राजा है ना हमारे साथ। हाँ। चलो चलो अंदर चलते हैं ना। हाँ चल। चलो चलो चलो। क्या करें, कैसे अंदर जाएं? ए, वो खिड़की। चलो। अच्छा अच्छा। आपका अपने बेटे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कभी वो कोई बुक लाना भूल जाता है, कभी नोटबुक ही नहीं लाता है। और आज देखिए, घर से तो निकला है लेकिन यहाँ स्कूल ही नहीं पहुंचा। आप एक काम कीजिए, आप यश के घर क्यों नहीं पता करते? दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज वो भी स्कूल नहीं आया। किसी जगह है? जरूर ये सतरंग का ही अड्डा है। आ, छोड़ दो मुझे। पुलिस में कंप्लेंट करेगा, पुलिस के पास जाएगा। लेके चलो इसको। ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। ये कहाँ लेके जा रहे हो?
रोनी, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। अगर हमें सच्चाई का पता लगाना है तो अब इनके पीछे ही जाना होगा। हेलो, मैं मानसी बोल रही हूँ। रोनी आपके यहाँ आया है? और यश? नहीं, लेकिन वो दोनों स्कूल में नहीं है। हाँ ओके। जैसे ही तुमने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, तुमने अपनी मौत लिख दी। अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। टाइम टू गो बाबू। सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कसम खाता हूँ अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आई नो अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इनफैक्ट तुम दोबारा कोई गलती कर भी नहीं पाओगे बाबू, क्योंकि कोई गलती करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। सर सर मुझे मत मारिए सर। टाइम टू गो बाबू। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। बाबू टाइम टू गो। सर प्लीज बाबू। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर सर मैं दोबारा नहीं करूंगा सर। सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेट्स गो बाबू। सर सर प्लीज लेट्स गो बाबू। सर सर प्लीज। Blaster! 1, 2, 3, 4, 5, 6. यही शतरंग है? हाँ, लेकिन ये तो खूनी है। अब कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब कोई नहीं डालेगा शतरंग के रंग में भंग। लेकिन तुम लोग यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे 2 दिन के अंदर एक नया राजा ढूंढने के लिए कहा था। जैसे हमने अपनी रफ्तार कुरियर कंपनी राजा के नाम करके उसे मालिक बना दिया था, वैसे इस नई कंपनी का किसी को मालिक बना देंगे। वो क्यों बॉस? जब हमारे गैर कानूनी धंधों की इंक्वायरी होगी तो सारा का सारा इल्जाम मालिक के ऊपर जाएगा, जैसे राजा के ऊपर गया था, जैसे सब लोगों ने उसे दोषी मान लिया था। क्या फाड़ू आइडिया था? आज तक किसी को सच्चाई क्या है मालूम ही नहीं पड़ा। गुटगुम, यहां का चप्पा चप्पा छान मारो। कोई छुप कर बैठा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। ये मेरा बेटा है रोनी, और ये इनका बेटा है यश। चिंता की कोई बात नहीं है, ऑलरेडी हमने वायरलेस पे मैसेज भेज दिया है। जैसे ही आपके बच्चों का पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब तो पता चल गया तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया था। रानी आपको बोला ना मुझसे बात करने के लिए। शतरंग के रंग में भंग। Ah! Mm.
अब समझा, ये नादान लड़की उस बेवकूफ राजा की बेटी है। ओके बेटा, ओके ओके ओके, आपको अपने पापा के पास भेज दें, वहां जाकर बातें करना उनसे स्वर्ग में। Time to go. कौन है? कौन है? कौन है? राजा। ये रस्सी अपने आप कैसे चल रही है? देख रहे हो ये रस्सी? क्या हो रहा है ये? तुम लोगों ने देखा ही? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसे हो गया? खोलो मुझे, ये खोलो, खोलो मुझे, yes. मुझे निकालो रस्सी से। yes. Yes. Come on, yes. उस बच्चे को पकड़ो, पकड़ो उस बच्चे को। कहाँ जाओगे बच के? yes, yes, yes. Good, good. पकड़ो पकड़ो पकड़ लो, पकड़ लो पकड़ लो, very good. पकड़ लिया। ब्लास्टर, ब्लास्टर, किल हिम। मेरा चश्मा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या कर रहे हो तुम लोग? पकड़ो इन्हें, पकड़ो। अरे रुक 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 रुक, छोड़ने वाले, रुक, अरे रुक जा। आजा 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 मोटे, रुक। ए मोटा फंस गया। पकड़ लिया, पकड़ लिया बॉस, पकड़ लिया, मेरे बच्चों को पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। इडियट, पकड़ो पकड़ो। यस, अब कहाँ भागेगा? टिलिम टिलिम, या या, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, बचेगा नहीं तू। ए, 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 क्या करो? बंद कर, बंद कर, बंद कर। ये क्या हो रहा है? बंद कर, बंद कर। यस, क्यों कर रहे हो यार? इज्जत को फालूदा मत करो यार। ए, रुक। अब कहाँ जाएगा तू? अब क्या करेगा तू? गुनगुनी मत कर, गुनगुनी मत कर उसको। Yes! कोई कुछ तो करो। कहाँ जाएगा तू? क्या कर रहे हो? पिट क्यों रहे हो? थैंक यू गॉड। पागल। कलम प्लीज।
थैंक यू राजा, थैंक यू, वेलकम। लगता है कोई बाहरी ताकत इन बच्चों की मदद कर रही है। आजा, 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 आ, आ। लड़की से पिछले हो, चिर, 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 आश। कौन है जो सतरंग के रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है? सामने आ! बोलो कौन है? सामने आओ! अरे कौन है? तूने मुझे मार डाला, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, और तुझे लगा कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलेगा? कौन है? सामने आओ! इसीलिए मैं वापस आया हूँ ताकि लोग सच जान सकें। काले कारनामे करने वाला तू है, तूने मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए, तूने एक बेटी को बाप से जुदा किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। शाबाश बच्चों, तुम्हारी वजह से ये बदमाश पकड़ में आए हैं। अरेस्ट देम। रोनी बस आता ही होगा। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस रोनी से मिलना था। हेलो आंटी। हेलो, थैंक यू वेरी मच। मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई। कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैं, जो गुनगुन को अपने पापा के यादों से दूर रख रही थी। थैंक यू बेटा। इट्स ओके आंटी। क्या वो यहीं कहीं है? लता मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझती रही। लता जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए दिल पर किसी तरह का कोई बोझ मत लेना। इस गुनगुन को पढ़ाना, खूब पढ़ाना, वो जो भी करना चाहे उसे करने देना। गुनगुन बेटा अब सच्चाई का पता चल गया ना? हाँ पापा। अब मुझे जाना होगा। मत जाओ ना, इतने दिनों बाद तो एक अच्छा दोस्त मिला है। मुझे भी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे? क्यों नहीं आऊंगा? रोनी तुमने मुझे मेरा परिवार लौटाया है, मेरा खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाया, और तो और मुझे मेरी बेटी की नजरों में गिरने से बचाया। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगा रोनी, और दोस्ती की है ना तो निभाऊंगा जरूर।